मॉर्निंग क्लास पे आज हम आपकी एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्क को मैरीगोल्ड फिल करेंगे। जो चैप्टर हम मैरीगोल्ड में पढ़ेंगे वही चैप्टर हम यहाँ खुद पढ़ेंगे। मैं आपकी थोड़ी हेल्प करूँगी, बाकी आप सारा काम खुद करेंगे। लास्ट वीक हमने ये पढ़ा था ना, बैम्बू करी एक पिक्चर स्टोरी थी। टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द रूट ऑफ द बैम्बो स्कूप्ड एंड स्टीम एंड ईटन। सही है या गलत? बैम्बू की रूट खाते हैं, जड़ को खाते हैं, तो ये फॉल्स है। द मदर इन लॉ ऑफ द ब्राइडग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम। दूल्हे की सास ने उसके लिए एक स्पेशल डिश बनाई थी। सही है गलत? तो ट्रू। द डिश मेड बाय द मदर इन लॉ वॉज टेस्टलेस। टेस्टलेस थी कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी ना, तो ये फॉल्स है। द ब्राइडग्रूम चॉप्ड द बैम्बू। उसने बारीक बारीक बैम्बू को काटा था दूल्हे ने, तो ट्रू होगा ये। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत ही छोटे आंसर लिखने हैं इसके। व्हाट काइंड ऑफ फॉक टेल इज बैम्बू करी। ये बैम्बू करी किस प्रकार की एक फॉक टेक है, किस प्रकार की कहानी है। हु कैरिड द बैम्बू डोर विद हिम। बैम्बू के दरवाजे को कौन लेकर आ गया अपने साथ? दूल्हा ना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वाई वॉज ब्राइडग्रूम्स वाइफ शॉक्ड व्हेन ही आस्क हर टू मेक करी आउट ऑफ द बैम्बू डोर। दूल्हे की वाइफ को शॉक क्यों लगा, झटका क्यों लगा जब उसने बोला कि इस बैम्बू डोर से तुम करी बनाओ। ब्राइडग्रूम्स इन लॉ से टू हिम व्हेन दे केम टू विजिट द यंग कपल। जब वो इन नए शादीशुदा कपल के घर आए तो उन्होंने क्या किया, का क्या कहा दूल्हे के सास ससुर ने। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लंबा आंसर लिखना है थोड़ा सा। हाउ डिड द न्यू कपल ट्राई टू प्रिपेयर द बैम्बू करी, डिस्क्राइब इन डिटेल। इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है कि न्यू कपल ने, जो नया शादीशुदा जोड़ा था, इन्होंने बैम्बू करी कैसे बनाई, इसको हमने लिखना है अपने शब्दों में। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, मेक मैच द नंबर वन देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद देयर अपोजिट इन द राउंड बॉक्स। ये एक रेक्टेंगुलर बना है, ये वर्ड है और इसके अपोजिट वर्ड राउंड बॉक्स में। ओके, स्पेशल मतलब बहुत ज़्यादा विशेष होता है तो उसका यूजुअल। फुलिश मतलब मूर्ख, तो उसका उल्टा वाइज। हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा कठोर, उसका उल्टा सॉफ्ट। एड मीन्स किसी चीज़ को जोड़ना, तो उसका उल्टा सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाना। टू देखिए, मेक सेंटेंस फ्रॉम द फॉरन वर्ड्स। इन वर्ड्स से हमको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। टू से, शॉक्ड से, विजिट से, लाभ से, हार्ड से, एक सेंटेंस बनाना है। एक एक सेंटेंस हमको इन वर्ड को यूज़ करके कुछ भी बना सकते हो। थर्ड देखिए, राइट टू वर्ड्स इन द क्लाउड। इस क्लाउड में टू वर्ड्स लिखने हैं दैट राइम विद द सेम एज वन मेंशन इन द क्लाउड। एक एक शब्द लिखे हैं, इसी की राइमिंग करनी है। हार्ड, करी, बेम्बू, शूट, चॉपिंग। लिस्ट द नेम ऑफ टू प्लांट हूज लीव्स यूज इन कुकिंग। इसमें उन दो पेड़ों के या पौधों के नाम लिखने हैं जिसके पत्तों को हम बना सकते हैं, खाने में हम बनाते हैं, और क्या करना है। ऑल्सो इज द रीज़न फॉर यूजिंग दैम इन योर डिशेज। उसका रीज़न भी बताना है, कारण भी बताना है कि हम क्यों खाते हैं ये पत्ते, ठीक है। यू मे टेक हेल्प ऑफ योर मदर और फॉर कम्प्लीटिंग दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट करने में हम अपनी मम्मा की हेल्प ले सकते हैं। आपको नेम ऑफ द प्लांट इसके नीचे उस पौधे का नाम लिखना है, पत्तों का नाम लिखना है। जैसे पालक है, खाते हैं हम, है ना, अरबी के पत्ते हैं, उसका पतौड़ बनाते हैं, ठीक है।
धनिया के पत्ते हैं, पत्ते ही तो खाते हैं। रीजन फॉर यूजिंग इट्स लीव्स, अब हमको उसका कारण भी बताना है, वो पत्ते कि क्यों यूज करते हैं, क्यों हेल्दी हैं, टेस्टी हैं। हाँ, वो रीजन बताना है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो फिफ्थ क्लास, जिनने वर्कबुक ले लिए, जिन बच्चों ने, वो तो वर्कबुक में फिल कर लेना, जिस पे नहीं है वो क्या करेंगे, नोटबुक में आज की डेट डालेंगे, हेडिंग डालेंगे बैम्बू करी, और ये वॉकटेल करेंगे। कौन सी है? सेंथल वॉकटेल, ये हम करेंगे। ठीक है फिफ्थ क्लास, आज का काम आज ही करके दिखा देना बच्चों, ठीक है? बाद में दिखाओगे मैं चेक नहीं करूँगी, ठीक? व्हाट काइंड ऑफ फॉकटेल इज बेम्बू करी, कौन सी फॉकटेल है ये? तो सेंथल, ये लिखा है देख लो ऊपर, ए सेंथल, SNTHL, सेंथल फॉक टॉक है ये, ठीक है? बेम्बू करी, डू यू वर्क टुडे ओनली एंड चेक इट बाय मी टुडे, ओके? डू दिस वर्क विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, बेस्ट ऑफ लक, डू योर वर्क।